बात कर रहे हैं वैजंती माला जी की। 1964 में वैजंती माला जी की एक फिल्म आई, मैं का करूं राम जी संगम जी जी संगम बाकी और याद नहीं ले संगम याद है। सारे गाने सुपर हिट फिल्म। हिंदुस्तान की ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसे एशिया से बाहर शूट किया गया था, और इसी फिल्म में पहली बार दो इंटरवल भी रखे गए थे। इसके अलावा भी 1960 इसी टाइम के ऊपर एक फिल्म आई थी जिसमें सायरा बानो के ऊपर भी एक गाना पिक्चराइज है, वो वेनिस की शूटिंग के बहुत कम लोग जानते हैं, शायद संभवतः वेनिस में पिक्चराइज वो पहला गाना है, और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, और संगीत दिया था उषा खन्ना जी, फिल्म का नाम था आओ प्यार करें। तो बात कर रहे हैं वैजंती जी की, संगम की, और संगम को बनने में तकरीबन 4 साल लग गए थे, और इसी दौरान हीरो और हीरोइन एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, ये इस बात का सबूत था कि नॉर्मल हैं भैया। और वैजंती जी ने स्वीकार किया कि उनका झुकाव हो गया था राज कपूर की तरफ, और मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि काश शादी हो जाए। दोनों के प्रेम की घनिष्ठता, अंतरंगता की खबरें इंडस्ट्री तक पहुंच गई। मैंने कहा ना, इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। दोनों उस जमाने के बहुत बड़े स्टार थे, और मीडिया ने भी, मीडिया का तो काम ही है ये। एक दिन खबर ये आई कि वैजंती माला और राज कपूर की घनिष्ठता, क्लोजनेस की वजह से राज कपूर साहब की पत्नी कृष्णा जी अपने बच्चों को लेके घर छोड़ के मुंबई के नटराज होटल में शिफ्ट हो गई हैं, और काफी टाइम तक रहीं। इसमें चाचा का बहुत बड़ा रोल है, चाचा थे मुल्कराज आनंद जी, उनको जब पता पड़ा, सब लोग कपूर फैमिली में उनको चाचा बोलते थे, जब उनको पता लगा कि मेरी बहू वहाँ गई है तो बहुत नाराज हुए, और बच्चों को ये ऋषि और डब्बू छोटे से हुआ करते थे लेके आए, और उन्होंने राज कपूर साहब को भी स्ट्रिक्टली समझाया। दौर कुछ और था, लोग अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात मान लिया करते थे, और इस तरह से मामला सलट गया, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ये मामला कृष्णा जी का तो किसी तरह से सेटल हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। वैजंती जी का नाम, जाहिर इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी और बहुत खूबसूरत भी थी, उनका नाम बहुत सारे स्टार्स के साथ जुड़ा था, दिलीप कुमार के साथ तो जुड़ा ही। ऐसा कहते हैं कि दिलीप कुमार गंगा जमुना की फिल्म की शूटिंग के दौरान वैजंती जी की साड़ियाँ खुद सेलेक्ट किया करते थे। वाह, आप समझे ना। और फिल्म हिस्टोरियंस बनी रूबेन और संजीत नार्वेकर ने भी अपनी किताबों में वैजंती माला को दिलीप कुमार का तीसरा प्यार बताया है। पहला प्यार कामिनी कौशल, दूसरा मधुबाला, तीसरा वैजंती माला। खैर, इन सब बातों और अफवाहों के बीच वैजंती माला ने 1968 में चमनलाल बाली साहब से विवाह कर लिया, और देन शी स्टार्टेड अ फैमिली लाइफ, और सेटल हो गई थी वो, और शादी के बाद वो चेन्नई शिफ्ट भी हो गई और फिल्मों से दूर होती चली गई। 1967 में एक फिल्म आई आम्रपाली, बिल्कुल अच्छी चली नहीं ये फिल्म। ये फिल्म का जो बैकड्रॉप था, ये एफसी मेहरा साहब ने फिल्म बनाई थी, लेक टंडन जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने। फिल्म चली नहीं सुनील दत्त और वैजंती माला जी की। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वैजंती जी का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा मन टूट गया, और दिलीप साहब के साथ कुछ अनबन भी हो गई, जिसकी वजह से फिल्म राम और शाम में उन्होंने काम करने से मना कर दिया। फिल्म राम और शाम में पहले वैजंती माला जी थी, और उनके मना करने के ऊपर हुई एंट्री वहीदा रहमान की। वैजंती जी ने इसके बाद ज्वेल थीफ और दुनिया, ये फिल्में दो मुख्य रूप से की। ज्वेल थीफ का सिर्फ एक ही गाना था जो पिक्चराइज वैजंती जी के ऊपर है, लेकिन वो गाना लिखा था शैलेंद्र जी। वापस आकर बताऊंगा, सुपरस्टार एक्ट्रेस, डांसर, डांस्यूज वैजंती माला बन गई पॉलिटिशियन, एंट्री हुई उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में, और कुछ और बातें वैजंती जी के जीवन के कुछ अनजान पहलुओं के बारे में।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।